इंसानियत का राज है इंसान का एहसास, एहसास जिंदगी है और जिंदगी एहसास। एहसास ना हो तो हम उसूलों का क्या करें, दिल से दिल की जोत जलाता है ये एहसास। इंसानियत का राज है इंसान का एहसास, एहसास जिंदगी है और जिंदगी एहसास। फितरतों के बोझ से दबा है आदमी, नफरतों की आग में जला है आदमी। भेदभाव रंजिशों के जाल काट कर एहसास बनाता है आदमी को आदमी, आदमी को आदमी। इंसानियत का राज है इंसान का एहसास, एहसास जिंदगी है और जिंदगी एहसास। नाचने गाने वाली यहाँ कहाँ से आ गई? चंदनपुर से आई है परोहित जी, चंपा नाम है, बहुत मशहूर है, पूरे 500 रुपए लिए उसने यहाँ आने के। जमींदार जागीर सिंह कहाँ है जी? वो मुजरे में ही बैठे हैं। जमींदार से कहो कि पुरोहित जी बुला रहे हैं जी। स्त्री का रूप माँ भगवती का रूप होता है, उनका इतना जघन्य अपमान, जमींदार को और इस नाचने गाने वाली को इस महापाप का दंड भोगना ही हुआ। नाच गाना। ए दीदी, अब छोड़ो भी, तुम तो बेकार परेशान हो रही हो। लेकिन मैंने तो पुरोहित जी को देखा भी नहीं, फिर उन्होंने मेरा गाना क्यों रोका? अरे बिटिया, पुरोहित जी के कहने पर ही जमींदार साहब ने गाना रोका था। भोला काका, बोलो तुम्हें ये सब किसने बताया?
अरे भाई ये सब बातें मैं कोई मैं अपने मन से थोड़ी ही बता रहा हूँ, गांव में सबको मालूम है ये सब बात। और मुझे तो जमींदार साहब का नौकर घीसू बता रहा था। धर्म अधर्म का कोई भेद नहीं, थोर अपमान हो गए, अनर्थ हो गए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जिस बारात में नाचने गाने वाली आती है उस बारात में मैं नहीं जाता, क्योंकि मैं हर स्त्री में देवी भगवती को देखता हूँ, और आपने उस देवी भगवती के रूप को एक नाचने गाने वाली में परिवर्तित कर दिया है। मैं ये अपमान सहन नहीं कर सकता, मैं यहाँ अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। क्षमा करें पुरोहित जी, ये अपराध अनजाने में ही हो गया, अब आप जैसा कहेंगे वैसे ही होगा। तो जाओ, पहले ये नाच गाना बंद करवाओ, तभी मैं यहाँ रुकूंगा। और सुनिए जमींदार साहब, उस गणिका से कहिए कि वो हमारे सन्मुख बिल्कुल ना आए, वरना यहाँ अनर्थ हो जाएगा। बेटी, पुरोहित जी बहुत सिद्ध पुरुष हैं। कुछ भी हो रमा, मैं अपने को बहुत अपमानित महसूस कर रही हूँ। क्या वाकई में इतने तुच्छ हैं? दीदी, अब हर व्यक्ति अपनी दृष्टि से जो देखता है उसे वही सत्य लगता है ना। और अगर मैं नाच गाना बंद कर दूं तो क्या माँ भगवती का रूप ग्रहण कर लूंगी? तुम भी बस दीदी, तुमने पुरोहित जी की बातों को दिल से लगा लिया। अब अगर उन्होंने नाच बंद करा दिया तो इससे हमें क्या लेना देना? हमें तो हमारे 500 रुपए पूरे मिल गए ना, बस। सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा, शांति ही पत्नी क्षमा पुत्री सड़ेते मम बांधवा। सत्यम सत्यम माता ज्ञानम पिता धर्मम सखा, सत्यम 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 माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा, शांति ही पत्नी क्षमा पुत्री सड़ेते मम बांधवा। शाबाश, इसका अर्थ समझ गए ना सत्यकाम जी? जरा बताओ तो। सत्य मेरी माता है, ज्ञान मेरा पिता, धर्म मेरा भाई है, दया मेरी मित्र, शांति मेरी पत्नी है, क्षमा मेरा पुत्र, यही छे मेरे बंधु हैं। शाबाश, सदैव स्मरण रहे कि संसार की हर स्त्री को माता के समान समझना चाहिए। सत्यकाम, सब स्त्रियां देवी भगवती का अवतार होती हैं, समझ गए ना? जी। ठीक। अच्छा, मैं वैद्य जी से मिलकर आता हूँ, तुम भोजन कर लेना। जी बाबूजी। पर हाँ, हरिद्वार वाले अध्यापक शर्मा जी आऊं, तुमने बैठा लेना। जी बाबूजी, ठीक है। मातृवत पराधांश पर दिव्यानी लोशवत, मातृवत पराधांश पर दिव्यानी लोशवत, मातृवत पराधांश पर दिव्यानी लोशवत। अन्नपूर्णा, तुम अंदर अपने कमरे में जाओ, मैं दीदी से बात कर अभी तुम्हारे पास अंदर आती हूँ। अच्छा मौसी, मैं घनश्याम दादा के पास चली जाऊँ? हाँ जाओ। दीदी, तुमने मजलिसों में जाना क्यों बंद कर दिया? अब तुम्हारे इस तरह गुमसुम बैठे रहने से तो दुनिया का कुछ नहीं सुधरेगा ना। दीदी, ये रंग रूप, ये पैसा, ये शोहरत, ये संगी साथी, ये सब तुमसे बिछुड़ जाएंगे। दीदी दीदी, सच मानो, तुम बिल्कुल अकेली रह जाओगी। लेकिन रमा, पुरोहित जी की बातें बार बार मेरे मन को कुरेदती हैं। जी चाहता है कि नाचना गाना सब बंद कर दो। फिर इस घर का क्या होगा दीदी? तुम मुझे तो मजलिसों में नाचने गाने नहीं देती। एक दिन अन्नपूर्णा भी बड़ी होगी, उसके भविष्य के लिए तुम्हें घुंघरू बांधने पड़ेंगे। दीदी दीदी, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो तुम मुझे इजाजत दो। तुमने ये सोच कैसे लिया? मैंने अम्मा को वचन दिया था कि तुम्हें और अन्नपूर्णा को गृहिणी बनाऊंगी। मेरी जिंदगी तो जैसे तैसे बीत ही गई, आगे भी कट जाएगी। क्या मैं नहीं जानती दीदी कि तुमने कितने कष्ट झेलकर हमें पाल पोस के बड़ा किया है, लेकिन उन पुरोहित जी की जरा सी बातों पे तुम कैसे हिम्मत हार गई? दीदी दीदी, तुम इतनी कमजोर तो नहीं थी दीदी?
जी कड़ा करो दीदी, गले में रस भरो और बांध दो ये घुंघरू पैरों में, और भूल जाओ पुरोहित जी की उन सब बातों को। हाँ दीदी, कितने दिन हुए इनका स्वर भंग हुए? नहीं दीदी, दीदी नहीं, दीदी नहीं, दीदी नहीं, मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है दीदी, दीदी नहीं, 10-12 दिन हो गए हैं जी, बिल्कुल आवाज नहीं निकल रही है दीदी की, ऐसा लगता है जैसे किसी ने गला जकड़ लिया हो। जाने अनजाने कोई अभोज्य पदार्थ तो नहीं खाया इन्होंने? दीदी घर में जो सब खाते हैं वो ही खाया है, बाहर की कोई चीज तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता दीदी, ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं कर सकती दीदी, वो ऐसा नहीं कर सकती, वो ऐसा नहीं कर सकती। तुम क्या बात कर रही हो बेटी, कौन कैसा नहीं कर सकती? सब बताती हूँ वैद्य जी, पिछले हफ्ते में एक जमींदार के यहाँ मजलिस में गए थे, वहां शहर से भी एक तवायफ आई हुई थी, लेकिन रंग जमा तो बस अपनी चंपा दीदी का, जमींदार साहब तो उनपे जान न्योछावर कर रहे थे, लेकिन वो शहर वाली तवायफ को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, फिर भी वो दीदी की सुरीली आवाज की तारीफ कर रही थी, और तभी उसने अपने हाथ से बना के दीदी को पान खिलाया, शायद उसी में कोई कोई विषैली चीज खिला दी, कोई बात नहीं, इसका उपचार हो जाएगा, मैं दवा तैयार करवा के अभी भिजवाता हूं, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, चिंता मत कीजिए, और घनश्याम को भेज दीजिएगा, वो दवा ले जाएगा। अरे रमा बेटी, कैसी है चंपा बिटिया? 10 दिन हो गए हैं काका, वैद्य की दवा का कोई असर ही नहीं हो रहा है। देखो हम फिर बोल रहे हैं, किसी भी तरह से चंपा बेटी को लेके पुरोहित जी के पास चलना चाहिए, पुरोहित जी कुछ ना कुछ चमत्कार जरूर करेंगे। वो तो ठीक है काका, लेकिन कहीं उनके घर जाने पर वो दीदी पर नाराज ना हो। मत जाओ घर, घर जाने की जरूरत नहीं, कम से कम देवी पाटन के मंदिर पे तो चलो, पुरोहित जी वहां पर रोजाना देवी की दर्शन करने के लिए आते हैं। तब तो ठीक है काका, कल तड़के ही हम दीदी को वहां लेकर जाएंगे। कुछ भी हो काका, दीदी का स्वर ठीक हो जाना चाहिए। ये हुई ना बात। वो देखो पुरोहित जी अपने बेटे के साथ देवी माँ के दर्शन कर रहे हैं। दादा हाँ? तुम सामान का ख्याल रखना, मैं दीदी को लेकर उनके पास जाती हूँ। अच्छी बात है, सुनो बेटे जाकर बिल्कुल पुरोहित जी के पैर पकड़ लेना, तुम देखना वो हमारे चंपा बिटिया को बिल्कुल ठीक कर देंगी। जा, जा। Hey.
मां कल्याण को भी। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। हम चंदनपुर से आए हैं महाराज, आपके दर्शनों के लिए। ये मेरी बड़ी बहन चंपा है, पहचाना आपने? चंदनपुर, चंदनपुर की चंपा मां। हाँ हाँ, चंपा मां जो उस दिन जमींदार जहांगीर सिंह की बारात में गाने आई थी। जी हाँ महाराज, ये वही चंपा है। हाँ, उस दिन हमने जमींदार जहांगीर सिंह से कहकर इन्हें निराश लौटा दिया था। वो हमारी विवशता थी। बाद में हमें बहुत दुख हुआ, क्षमा करना। आप किससे क्षमा मांग रहे हैं महाराज? दीदी तो बोल ही नहीं सकती, इनकी तो आवाज ही बंद हो गई है महाराज। बहुत कष्ट में है दीदी, बस अब आप किसी भी तरह इन्हें कष्ट से उबारें महाराज। तुम्हें बहुत दुख है ना मां, यहां यहां मेरे सामने बैठो। बाबूजी, मुझे प्यास लगी है। ठहरो सत्यकाम, अभी पानी मंगवाते हैं। अन्नपूर्णा, तुम इसे बाहर दादा के पास ले जाओ, वो इसे पानी पिला देंगे। जी मां। बैठो। ले ओ बेटा, पानी पियो। जी धन्यवाद। रुको, पहले लड्डू खा लो। मुझे भूख नहीं है। अरे एक ही खा लो, मुझे प्यास लगी है। माँ ने बनाए, खा लो। माँ, तुम्हें एक प्रतिज्ञा करनी होगी। यदि तुम्हारा कंठ स्वर ठीक हो जाए तो तुम केवल मां भगवती के ही गुण गाओगी, भगवान के अतिरिक्त और किसी विषय के गीत तुम्हें जीवन भर के लिए छोड़ने होंगे। स्वीकार है ना मां? स्वीकार है। तुम मेरे साथ एक भजन गाओ। पायो जी, पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी, पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो। पायो, पायो जी, पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी, पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो। मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी, पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो। मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी, पायो।
जना।